हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीति एकेडमी। आई एम शिवांगी और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इसके पहले हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज कवर किए थे। अब से हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट नंबर फोर्थ ए के बारे में बात करेंगे, जो कि डील करता है आर्टिकल 51A को। फंडामेंटल ड्यूटीज नाम से समझ में आ रहा है कि ये किस बारे में बात करता है, ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। अभी तक हमने जो पढ़ा, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, वो दोनों ही इंस्ट्रक्शंस थे या ऑब्लिगेशंस थे स्टेट के लिए, यानी स्टेट को क्या करना चाहिए या स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमने इसके पहले की हैं। अब स्टेट को तो तमाम सारी चीज़ें जनता के लिए करनी चाहिए, पर क्या जनता का कोई कर्तव्य नहीं बनता कि वो वापस से देश के लिए कुछ करे? बस उसी कर्तव्य की बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इनिशियली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 1950 में बनकर तैयार हुआ था, उसने क्या बोला? उसने बोला कि सिटीज़न के पास ड्यूटीज़ तो होंगी, पर वो क्या होगा, वो उनको विलिंगली करेगा। मतलब हम ये मान कर चल रहे थे कि ठीक है, देश का नागरिक है, देश के लिए कुछ तो करेगा ही, पर हमने इसको क्या किया, एक क्लॉज नहीं बनाया, इसको एक पार्ट का दर्जा नहीं दिया। हमने सोचा कि ठीक है, ये मान के चलते हैं कि ये होगा। पर जैसे जैसे समय बढ़ा, चीज़ें चेंज हुई, खास करके जब इमरजेंसी का टाइम आया, जब इंटरनल इमरजेंसी हुई हमारी 1975 से जब शुरू हुई, उस टाइम ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक नाम की चीज़ को ऐड कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो मान कर हम नहीं चलेंगे, बल्कि क्या है, वो रिटन में वो चीज़ होनी चाहिए। तो मेनली उसी टाइम पर हमने एक कमेटी का गठन किया, जिसको हम बोलते हैं स्वरण सिंह कमेटी। उसने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की एक चीज़ होनी चाहिए, जो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे। ठीक है, स्लाइड को फॉलो करें। तो इसमें लिखा है, दिस एक्सपेक्टेशन वॉज अनमेट। जब हमने एक्सपेक्ट किया था कि लोग विलिंगली फॉलो करेंगे, बट चीज़ें ऐसी रहीं, जब ये सब चीज़ें फॉलो नहीं हो पाई, तब हमने क्या किया, हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट फोर्थ ए में ऐड कर दिया। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में ऐड कर दिया गया। किसके थ्रू? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ 1976 में। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेकर आए। ठीक है, ये जो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये है कि ये 10 लिखा हुआ है। आप प्रेजेंट की अगर बात करो, आज के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? 11 हैं, पर हमने ओरिजिनली कितनी ऐड की थी? 10 की थी। जो 11वां है, वो हमने बाद में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड किया था, उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिनली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा जवाब होगा 10। और अभी प्रेजेंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसका जवाब होगा 11। आगे बढ़ते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी, अनदर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट टू बी रिमेम्बर्ड, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसने बोला कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाना चाहिए। साथ ही जो 11th ड्यूटी जो बाद में ऐड की गई, वो कब ऐड की गई आपकी? 2002 में ऐड की गई। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। याद करने वाली बात पूरी स्लाइड में है, क्या? पहली चीज़ कि रिकमेंडेशन किसकी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने की, वो थी स्वरण सिंह कमेटी की। और ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थे, 11वीं ड्यूटी कब ऐड की गई? 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंस्पायर्ड बाय द USSR कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम पर रशिया नहीं था, आपको पता होना चाहिए, USSR था। USSR में कई सारी कंट्रीज मिलकर USSR बना रही थी, उसमें क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र था उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि क्या करता था, वो मॉरल ऑब्लिगेशंस पुट करता था। किस पर? सिटीजन्स पर। ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हम किस पर ऑब्लिगेशंस या किस पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे? स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे, पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं? अपने सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनको कुछ ड्यूटीज़ दे रहे हैं कि भाई आप भी कुछ फॉलो करो। ये ओरिजिनली कहाँ से था? USSR में। बाद में हमने इसी से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होकर, इंस्पायर होकर, अपने में
फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा एक पार्ट जो कि है पार्ट 4 थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। एक एक कर हम सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो ड्यूटीज क्या कहता है। शुरू करते हैं पहले 51A सब क्लॉज ए से। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या इसकी कि भाई वो क्या कह रहा है, यानी हमें पहली बात तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, और इस बात का भी आदर करना चाहिए कि वो कह क्या रहा है और हमें उसको सर्वोपरि सबसे ऊपर रखना चाहिए। ऑल्सो वी शुड शो रिस्पेक्ट टू आर नेशनल फ्लैग एंड सिंग आर नेशनल एंथम। हमें ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि नेशनल एंथम को हम गाएं और अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, उसकी उसका आदर सम्मान बढ़ाकर रखें। यह है आपका पहला फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है आपका टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था, हमने जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स रहे हैं, जिनका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हैंड रहा है हमें आज आज़ादी दिलाने में, हमें वो सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑनर करनी चाहिए उन सभी लोगों का जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे साथ थे, हमारा साथ उन्होंने बल्कि किया हमारे लिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडियाज सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यानी हमारे भारत देश की जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री खुद ये एम्पावर्ड होती है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके बिना किसी बाहरी देश के इंटरफेरेंस से। यानी हमें इंडिया की जो सोवरेनिटी है, उसकी जो अखंडता है, उसकी जो एकता है, उन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? अपहोल्ड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए प्रोटेक्ट करने की। हमें डिवीजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना मन में नहीं लानी चाहिए, और यूनिटी, अखंडता, एकता की बात करनी चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है यानी फोर्थ, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। कल को जंग हो जाए, वॉर हो जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमारा देश खतरे में है, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए। हमें रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए कि अरे हटाओ, नहीं, ये आपका दायित्व बनता है, ये आपकी ड्यूटी है। जब भी कोई देश पर मुसीबत आएगी तो आप खड़े रहेंगे और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे, सर्विस देंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है? फॉर द सेक ऑफ पीस एंड फ्रेटर्निटी रिफ्रेन फ्रॉम एक्शंस दैट डिमिनिश द वर्थ ऑफ वुमेन। यानी शांति के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, भाईचारे के लिए हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम क्या करें? रिफ्रेन करें। रिफ्रेन मतलब हम डरें उस चीज़ से, हम कोशिश करें कि वो ना करें। क्या ना करें? कि हम वर्थ ऑफ वुमेन को डिमिनिश ना करें, जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी वैल्यू को, वर्थ को समझें, उसको डिमिनिश ना करें बल्कि उसको क्या करें? फ्लरिश करें। डिमिनिश करने से रिफ्रेन करें, बचें। ठीक, नेक्स्ट ड्यूटी है आपकी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर। कॉम्पोजिट कल्चर का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा है कि हमारा भारत देश ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक कल्चर पे चल रहा है, एक आइडेंटिटी पे चल रहा है, एक रिलीजन पे चल रहा है, बिल्कुल नहीं है। हमारा इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल एथनिक डाइवर्सिटी है यहाँ पर, बहुत बहुत डिफरेंट सेक्ट के लोग हैं, डिफरेंट धर्म के लोग हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो हमारा ये क्या है? एक हेट्रोजीनियस कल्चर है, होमोजीनियस कल्चर नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें वैल्यू भी करनी है उस चीज़ की और प्रिजर्व भी करना है। किसको? जो भी हमारा रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उन सबको हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, आदर करनी है, सम्मान करना है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है आपका टू टेक टू केयर फॉर ऑल लिविंग थिंग्स विथ कंपैशन एंड टू प्रिजर्व एंड एनहांस द नेचुरल एनवायरनमेंट।
हमें क्या करना है, हमें सारी लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स का केयर करना है, उनको प्यार देना है, वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, इंसान हों, हमें क्या करना है, उनके लिए केयर करनी है कंपैशन के साथ, ताकि हम उनको प्रिजर्व कर सकें और एक अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर सकें, इन्हांस कर सकें, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ, जो कि बोलता है टू डेवलप अ साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें क्या करना है, एक साइंटिफिक टेंपर को डेवलप करना है। साइंटिफिक टेंपर का क्या मतलब है, हमें ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से नहीं चलना है, हमारी पुरानी पिछड़ी सोच से हमें नहीं चलना है। समय आगे बढ़ रहा है, ज़रूरत है हमारे दिमाग को भी आगे बढ़ाने की, हमारे सोच को भी विकसित करने की, तो हमें क्या करना चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट ढूंढना चाहिए, चीज़ों के पीछे लॉजिक को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए फॉलो करना चाहिए कि अच्छा फॉलो हो रहा है तो कर लेते हैं, गलत सही नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी जैसी एक चीज़ देख लेते हैं, वो एक सोशल लेवल था तो हमारे कल्चर का ही पार्ट, धर्म तो नहीं बोलेंगे, वो एक कल्चर का पार्ट था, तो क्या हम उसको ऐसे ही फॉलो करते रहें कि अरे कल्चर है हमारा फॉलो करना चाहिए, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सोचना चाहिए, लॉजिकली सोचना चाहिए कि क्या ये करना ज़रूरी है, क्या ये करने से किसी का फ़ायदा हो रहा है, क्या किसी का नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ देखते हुए हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। हमें ह्यूमैनिज्म की तरफ सोचना चाहिए, ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब होता है, एक मानवतावाद सोच से आगे बढ़ना चाहिए, सबके लिए करुणा दया की भावना रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि इंक्वायरी का मतलब है सवाल उठाना, क्वेश्चन करना, रिफॉर्म का क्या मतलब है, क्वेश्चन करने के बाद उसको चेंज करना। हमें ये एक अपना माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि हम इंक्वायर करें कि भाई व्हाई, हाउ, क्यों, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या करना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और ज़रूरत लगे तो क्या करना चाहिए, उसको रिफॉर्म भी करना चाहिए, उसमें बदलाव भी लाना चाहिए, कि नहीं नहीं अब से हम छुआछूत वाली भावना को हटाएंगे क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी परपेचुएट होती है और हमें ज़रूरत है उसको रिफॉर्म करने की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता होगा कि समाज में चीज़ गलत हो रही है, पर चूंकि चलता आ रहा है तो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने की, रिफॉर्म और इंक्वायर करने का एक साहस होना चाहिए हम में, ये एक ड्यूटी है हमारी। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या आपकी कहती है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेफगार्ड करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी एज इन सब कुछ, हॉस्पिटल हो गए, कोई बिल्डिंग हो गई, वो सारी चीज़ें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि पब्लिक है, पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, हमें क्या करना चाहिए, उसको सेफगार्ड करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उसको हार्म करना चाहिए। ठीक, और क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व वायलेंस से क्या मतलब है, वायलेंस से बचना चाहिए, वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि समाज में लड़ाई झगड़े दंगे जैसी चीज़ें हों। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारा वो क्या है, टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ऐसा कोई भी एक्टिविटी है जो कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हो या फिर आप एक कलेक्टिव लेवल पर कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो या समाज के लिए कर रहे हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सीलेंस की ओर स्ट्राइव करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, इस काबिल बनाएं कि हम देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें और अपने लिए भी कुछ बेहतर कर सकें। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोवाइड फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिटवीन एजेस ऑफ 6 to 14। याद आ रहा होगा ये पार्ट किसका था, आर्टिकल 21A का था, राइट। तो 21A का तो पार्ट है ही है, जहां पर हम देश को, सरकार को, स्टेट को बोल रहे हैं कि आप भाई नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड कराओ कि हम क्या कर सकें, बच्चों को एजुकेट कर सकें। साथ में ये आपकी भी ड्यूटी है कि आप क्या करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएं ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके, यानी आप खुद सतर्क हों, आप खुद जागरूक हों कि आप अपने बच्चों को भेजें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है और ये वही 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारे हो गए सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 के 11। याद हो जाएँ तो बेहतर है, नहीं याद हो जाएँ तो समझ जाएँ तो बेहतर है। अक्सर इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो एक बार नज़र मारे रहेंगे तो क्लियर रहेगा, अच्छा ठीक है ये था ये नहीं था, पढ़ लेना चाहिए, कम है 11 है, याद हो सकता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं, है ना, क्या क्या उसकी प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रिंसिपल्स पर काम करता है, वो क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। सम ऑफ द ड्यूटीज़ आर मॉरल ऑब्लिगेशंस वाइल अदर्स आर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है भाई, इसमें कुछ चीज़ ऐसी है ना जो मॉरली करेक्ट हैं, जो कि आपको सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भाई वो नैतिक रूप से सही है। नैतिक रूप से ये सही है कि आप अपने ध्वज का रिस्पेक्ट करें, नैतिक रूप से ये सही है कि आप लोगों के लिए कुछ काम करें, नैतिक रूप से ये सही है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करें, ये सब चीज़ क्या है, नैतिक रूप से ठीक है, मॉरली ठीक है। वहीं जो कुछ अदर ड्यूटीज़ हैं वो क्या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि भाई आप एक सिटीज़न हो, देश में रह रहे हो, देश के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, तो आपकी वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप देश के लिए कुछ बेहतर करो, है ना। जैसे कि आप देश को, जब आप क्राइसिस आने पर जब देश की आप हेल्प करोगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे, उनको सर्विस प्रोवाइड कराओगे, वो सब चीज़ें आपके सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दे एम्बॉडी वैल्यूज दैट हैव लॉन्ग बीन इंटीग्रल टू इंडियन ट्रेडिशन, मिथोलॉजी, रिलीजियस एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिल्कुल अलग है, हट करें, हम बोल रहे हैं कि अच्छा अच्छा कुछ नया करके दिखाओ, नहीं, हम वही सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो सदियों से हमारे इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, हमारे माइथोलॉजी का पार्ट है, रिलीजन का पार्ट है और हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी पार्ट है। भाई ये रिलीजियस प्रैक्टिस है कि आप अगले के रिस्पेक्ट करो, हर धर्म को रिस्पेक्ट करो, ये आपकी ट्रेडिशन है कि आप क्या करो, ध्वज का सम्मान करो, अपने देश के ध्वज का सम्मान करो, सारी चीज़ें। ये क्या है, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और सदियों से चलती आ रही हैं। नेक्स्ट, अनलाइक सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ रहे थे, हमने कुछ आर्टिकल्स देखे थे 2021, बाकी 15, ऐसी सारी चीज़ें, वो क्या था, वो फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए अवेलेबल थी, यानी कि वो सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, फॉरेनर हो, सबके लिए वो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल थी। बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल हैं, सिटीजन्स के लिए अप्लीकेबल हैं। माने के जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनसे ही ये उम्मीद रखी जाती है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करो। हम फॉरेनर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप हमारे देश का के ड्यूटीज़ का पालन करो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स सबके लिए अप्लीकेबल हैं, बट फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल। सही बात है, आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ना, जैसा कि हमने पढ़ा था, वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब होता है कि उनको आप कोर्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं हुई। सेम गोज़ विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई ये ऐसा हम नहीं करेंगे, क्यों करवाया जा रहा है, सारी चीज़ें। ये मॉरल गाइडलाइंस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करोगे देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, यूनिटी के लिए। मीनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट्स एंड देयर आर नो लीगल पेनाल्टीज फॉर देयर ब्रीच। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हो तो मॉरली करेक्ट नहीं है, लेकिन लीगली इन पर एक्शन नहीं किया जा सकता है, आप पे कोई लीगल पेनाल्टी नहीं लगाई जा सकती है, आपसे बस उम्मीद की जा सकती है कि आप ऐसा नहीं करोगे। नेक्स्ट फीचर क्या है, पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू एनफोर्स देम थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट के पास हमने क्या किया है, पावर दे दिया है, बोल दिया है कि कल को अगर आप चाहें तो ऐसे लॉज ला सकते हैं, ऐसे रेगुलेशंस बना सकते हैं जो कि ये इंश्योर करेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पार्लियामेंट को हमने ये पावर दे दिया है कि ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर आप नेसेसरी लेजिस्लेशन करके लॉज बना सकते हैं। नेक्स्ट जो फर्दर हेडिंग है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ इतने भी क्या इंपॉर्टेंट हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इसको अलग से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करना पड़ गया, सारी चीज़ें। सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म एंड ऑपोजिशन द फंडामेंटल ड्यूटीज
होल्ड सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस फॉर सेवरल रीजन्स. ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्रिटिसिज्म नहीं है कि का कभी किसी ने क्रिटिसिज्म नहीं किया, यानी कि बुराई नहीं की है. लोग मानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ सही भी है, थोड़े गलत भी हैं. तरह तरीके के लोग हैं, तरह तरीके से सोचते हैं. इसके बावजूद कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो इसको ज़रूरी बना देते हैं. जैसे कि पहला, दे रिमाइंड सिटीजन्स दैट वाइल दे इंजॉय देयर राइट्स दे शुड ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस टू फॉलो टू द कंट्री सोसाइटी एंड टू फेलो सिटीजन्स. ये हमें ना रिमाइंड कराता है, ये हमें रिमाइंड कराता है कि ठीक है आप इंजॉय तो कर रहे हो अपने राइट्स, आपको सारे राइट्स दिए गए हैं, सरकार देश आपके लिए काम कर रही है, पर ये हमको कहीं ना कहीं रिमाइंड कराता है कि हमें भी पलट कर कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए. वो ये एक भावना दिलाता है कि देश सरकार हमारे लिए जो कर रही है, बदले में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी देश के लिए, नागरिकों के लिए कुछ बेहतर कर पाएं. दूसरा, दे एक्ट एज अ डेटरेंट अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़. डेटरेंट का क्या मतलब होता है? वो एक तरीके से रोड़ा का काम करते हैं. वो काम करते हैं इस सेंस में कि जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं. एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ मतलब जब आप देश के अगेंस्ट जाकर कुछ करते हो, आप अपने ध्वज का सम्मान नहीं कर रहे हो, नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने मॉन्यूमेंट्स की इज्जत नहीं कर रहे हो, उन सब चीज़ों को क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होने से रोकता है. एक डेटरेंट का काम करता है. और साथ ही एंटी सोशल कामों में भी ये एक डेटरेंट का काम करता है. एंटी सोशल माने कि आप किसी के धर्म की बुराई कर रहे हो, अगले को ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, फेलो सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो. उस सेंस में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो एक तरीके से डेटरेंट की तरह काम करती हैं. ठीक. दे इंस्पायर सिटीजन्स फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट. ये क्या करती हैं? हमको इंस्पायर करती हैं, हमको प्रेरित करती हैं कि हम एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन में रहें, नियम कानून में रहें और कमिटमेंट के साथ रहें. एक कमिटमेंट दें कि हाँ भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं देश के लिए. एम्फेसाइजिंग दैट सिटीजन्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन अचीविंग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स रादर दैन बीइंग मियर ऑब्जर्वर. ये एक हमें ना एक वैल्यू क्रिएट करता है, एक वैल्यू क्रिएट करता है कि भाई हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है कि ठीक है हमें बिठा दिया गया है, हमारे लिए काम किया जा रहा है, हमारा काम है बस बैठ के खाते रहना. हमें एक तरीके से एक वैल्यू दिलाता है, हमें एक रियलाइजेशन दिलाता है कि ठीक है हम सिर्फ बैठकर खाने वालों में से नहीं है, बल्कि देश हमें भी रिकॉग्नाइज कर रहा है. यानी हमारी भी कुछ वैल्यू है इस देश में, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारे भी कुछ करने से कुछ चीज़ चेंज हो सकती है, हम भी देश का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं. ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें रियलाइज करवाती है. दे असिस्ट कोर्ट इन इवैल्यूएटिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज. यानी ये क्या करती है, ये हमें, ये कोर्ट को असिस्ट करती है कि वो किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, वो किस तरीके से ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो वैलिड हैं या नहीं है, है ना. देश कैसे काम कर रहा है, देश के लोग तैयार हैं, देश के लोग देश के लिए समर्पित हैं, इन सब चीज़ों को एक तरीके से क्या है, कोर्ट को हेल्प करता है वो समझने में फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, ये सब कुछ फीचर्स थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, हमने सब पढ़ लिया है. हम बढ़ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ आर फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, क्यों आया, कैसे आया, उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, सब पढ़ लिया. आखिरी में पढ़ लेते हैं क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म का क्या मतलब होता है? उसकी कुछ कमियाँ जो हमें लगता है कि अच्छा कुछ तो कमी है इसमें. वैसे तो कोई खासा कमी नहीं है, पर कुछ कमियाँ हैं, उनको पढ़ना भी ज़रूरी होता है. कमी क्या है? क्रिटिसिज्म इंक्लूड क्या, दैट दे आर नॉन जस्टिसेबल. पहली चीज़ तो इसकी एक खामी यही है कि क्या है, नॉन जस्टिसेबल है कि भाई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. और आपको भी पता है जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग सीरियस नहीं लेते हैं, है ना. तो इस पर अगर कार्रवाई की जाए तो शायद ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है. हम इसको कंपलसरी कर दें कि नहीं नहीं अगर आप झंडे का सम्मान नहीं करोगे तो आपके ऊपर इतना फाइन, इतना जेल, ये सारी चीज़ें होंगी, तो शायद बेहतर तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ काम कर पाएंगी. एक ये है. दूसरी चीज़, द ओमिशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़. यानी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ नहीं हैं. जैसे कि पहला, एक
इम्पॉर्टेंट ड्यूटी टैक्सेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये कहीं मेंशन नहीं है कि आप जिम्मेदार नागरिक हो तो जिम्मेदार तरीके से टैक्सेस भी भरो। ऐसी कोई जिक्र ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो कि होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये बात नहीं करता है कि भाई फैमिली प्लानिंग पर भी हमें फोकस करना चाहिए। ये किसी को भी बाध्य नहीं कर रहा है या ये किसी को भी एक तरीके से गाइड नहीं कर रहा है कि आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि सोचना चाहिए। जब इतना पॉपुलेशन है इंडिया में तो बिल्कुल सोचना चाहिए, बट ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड नहीं है, जो कि होना चाहिए। और क्या, वेग लैंग्वेज, यानी जो इसकी लैंग्वेज है ना वो काफ़ी वेग है। वेग मतलब क्लियर नहीं है, कोई ये स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है, ये एक जनरल बात कर रहा है। और जब आप जनरल बात करते हो ना तो आपकी कोई बात सीरियस लेता नहीं है उतनी खास, कहते हैं हाँ ठीक है जनरल बात है, स्पेसिफिक कुछ कुछ अलग बताए, कुछ हटकर बताए। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी में कमी है कि वो एक वेग लैंग्वेज में, एक बहुत ही अनक्लियर अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कर रहा है। नाउ देयर आर कॉल्स टू रिवाइज द लिस्ट, कुछ कॉल्स हैं, कॉल्स मतलब कि कुछ लोग हैं जो बात करते हैं कि हमें क्या है इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो जो 11 हैं उस लिस्ट को हमें थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, उसके लैंग्वेज को थोड़ा सा बदलना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। और क्या करनी चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए लैंग्वेज को। यानी जो लैंग्वेज मेंशनड है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस इसलिए कि ठीक है आप तो चलो पढ़े लिखे जनता हो और आपको मैं पढ़ा भी रही हूँ, तो आपने क्या किया उन सारे आर्टिकल्स को बेहतर तरीके से समझ लिया, मैंने उसको डिकोड कर दिया, आपने भी समझ लिया, ठीक है। पर कितने ही लोग हैं जो बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएंगे या बेहतर तरीके से डिकोड को समझ पाएंगे? तो इसमें ज़रूरत क्या है, हमें इसे ज़रूरत है कि उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज रखें, ताकि आम जनता जो कम पढ़ी लिखी जनता है उसको भी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता हो। अब भाई जो कम पढ़ी लिखी जनता है, फिफ्थ पास है, थर्ड पास है, वो इतनी भारी भारी लैंग्वेज जब देखेगी तो कहेगी मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज क्या है बहुत सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, बहुत ईजी होनी चाहिए, ताकि वो थोड़ा और रियलिस्टिक लग सके, थोड़ा और क्या कहते हैं थोड़ा अच्छा लग सके, रियल लग सके कि हाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हो ही नहीं सकती, लगनी चाहिए कि हाँ हाँ रियल टाइप की है, हो जाएगी, सिंपल है, ठीक। और क्या, एनफोर्सिएबल हो सके, कि हम उसको एनफोर्स कर सकें, जैसा कि हमने बताया नॉन जस्टिसिएबल नहीं, बल्कि ये क्या होना चाहिए, जस्टिसिएबल होना चाहिए। ये सब कुछ कमियां हैं जो कि वेरियस स्कॉलर्स ने और लोगों ने डिस्कस किया है कि ये सब कुछ कमियां हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जिसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए ताकि वो थोड़ा और बेहतर तरीके से काम को कर सके। तो ये था हमारा पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इससे हम अपने आज लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे न्यू पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।